Hi everyone, this is Sheena Kaur and thank you for liking the video, previous video, home equipments ki. Thank you so much for giving me love and Ganiv love. And kuch logon ne uske channel ko bhi subscribe kiya hai, so thank you. तो आज मेरा आउटफिट फंकी है जस्ट बिकॉज बारिश हो रही है और मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए था तो मैंने आउटफिट ऐसे पहन लिया. तो बिकॉज बहुत ही द वेदर इज़ टू बैड, इट्स कंटिन्यूसली रेनिंग, बट आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑफ लेग्स वर्कआउट जो मैं करती हूँ, ओनली 5 एक्सरसाइजेस. तो बारिश हो रही है बट वी विल स्टिल डू आर वर्कआउट. गनीव इज़ बिहाइंड द कैमराज बट शी विल डू सम ऑफ द वर्कआउट्स विथ मी सेम. ठीक है, कुछ कुछ वर्कआउट्स करेगी जो मैं करूँगी एंड आई विल डू विथ वेट्स, शी विल डू विदाउट वेट्स लाइट एंड उसके रेप्स मेरे जितने ही होंगे. तो आज गनीव और मेरा वर्कआउट दोनों. गनीव ने पहनी है शिनचैन की हैवी लिफ्टर टी शर्ट एंड इट लुक्स लाइक शी लिफ्ट बिकॉज मेरे को वो उठा लेती है. अगर आपको आज सबूत देखना है तो आज वीडियो में दिखाऊँगी कि वो मुझे उठा लेती है. और सो आई एम कीपिंग थोड़ा एलिवेटेड बिकॉज मोर ऑन द क्वाड्स देन. सो एलिवेटेड रखा, डंबल उठाया, जस्ट लुक स्ट्रेट एंड गो डाउन. 1, 2, 3, 4 हो चुका था. अब ये स्क्वाट्स करेगी. She's at the beginner level and don't hesitate. रोज तो ठीक से करती है, करो, just do it. 15 reps. And you should sit on your bum. Sit. Yes. 2. और नीचे बैठो. 8 behind. Leg curl at home is a must to see. बहुत एक्साइटिंग होता है क्योंकि ऐसे लगता है कि आप नाच रहे हो. लेट्स सी मेरे लिए कितना एक्साइटिंग है. नहीं तो ऑब्वियसली गनीव है, हेल्प करेगी अगर ये ना हुआ तो. गनीव, कैन यू हेल्प मी आउट? So this is a full range of leg curl. इसके भी 15 reps करती हूँ मैं, 5 sets. And इसके साथ superset is stiff leg deadlift. तो ये stiff leg deadlift है with a tempo of 3-1-1 या 3. This is 1, 2, 3 when you go down, hold for a second and then come up, hold for a second, then go down, 1, 2, 3, hold for a second, then come up. And ये लगता है hams पे. 2, 3. You have to keep looking straight, नीचे नहीं देखना है. Have a doubt कि आप गलत कर रहे हो, प्लीज़ यूट्यूब पे बाकी वीडियोज़ देखिए एंड करेक्ट योर फॉर्म. आई एम 80% राइट, बाकी आई एम ऑलवेज लर्निंग. सो वी हैव कम्प्लीटेड 3 एक्सरसाइजेस, डम्बल स्क्वाट्स, ठीक है, लाइंग लेग कर्ल, उसके बाद स्टिफ लेग. लाइंग लेग कर्ल एंड स्टिफ इज सुपर सेट में, बोथ 5 सेट्स, 15 रेप्स ईच, 15 रेप्स उसके, 15 रेप्स इसके, 15, 15, 15, 15, 15, 5 सेट्स. एंड नाउ इज लंजेस, स्टैगनेंट लंजेस, एक ही जगह खड़े होना है एंड करना है लंजेस. ईच लेग इज 20, यू हैव टू गो डाउन, कम अप, 20 करने. 10 में ही दो ये हो जाता है कि नहीं होगा और नहीं होगा, बट वन. But that's what the challenge is. When it starts paining, you have to not stop. Just keep doing. Just keep doing. सबसे best होता है वर्कआउट के टाइम पे
गाने लगा लो, बैड एस सॉन्ग्स एंड बस हेडफोन्स लगाओ, नो लुकिंग लेफ्ट नो लुकिंग राइट, जस्ट लुक स्ट्रेट एंड कीप ऑन डूइंग. नाउ आई डोंट नो हाउ मेनी काउंट्स आई हैव डन. दिस इज द फोर्थ एक्सरसाइज आई एम डूइंग, लंजेस. गनीव हेल्प्स मी सेट अप एवरीथिंग, शी इज़ माई सपोर्ट एवरीथिंग. ये देखिए, और इसको पता है ये स्क्वाट पैड है, पता है ना तुझे? नहीं पता है. सो शी डज एवरीथिंग. आई एम आउट ऑफ ब्रेथ, आई डोंट नो वाई. सो दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू शो यू. गनीव हेल्प्स मी सेट अप एवरीथिंग, शी इज़ माई सपोर्ट एवरीथिंग. ये देखिए देखिए, पुल अप बार. ये मैडम बस यही करती है, लटकती है. इसको और लंबी होना आई गेस, शी इज़ ऑलमोस्ट माई हाइट. बट देन टॉल गर्ल्स आर इन फैशन ऑल द टाइम. दिस इज द लास्ट वर्कआउट, हिप थ्रस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लूट्स इफ यू वॉन्ट गुड बूटी. ओके, एंड दिस वेट इज ऑलमोस्ट 35, या 35 बार का मैंने नहीं गिना है, उसका होगा कुछ वेट, आई एम नॉट काउंटेड, बट 35 इज द प्लेट्स का वेट. नाउ लेट्स स्टार्ट, एंड द स्ट्रगल स्टार्ट्स ओवर हियर. नाउ दिस इज द स्ट्रगल बेसिक वाली. ओके, योर वायर, 1, 2, 3 पीपल, हियर वी गो अप. This is the real struggle when you're not at the gym. This is the time I miss the gym most. See, the tempo should be 1, upar jana hai, 3 seconds hold, and then 1 go down. 1, 3 seconds hold, 1 go down. Hold, down. Hold, down. And this you have to do 15 times like this, same. Side se aapko dikh raha hai? And the range of motion is very important if you want good glutes, okay? You need mind and muscle connection. You have to always, always think what you're doing. Not just dumb ass shit, kar lo yaar, karna hi to hai. Nahin, 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 nahin. Sirf karna nahin hai. Aapko mind aur muscle ko connect karna hai. Whatever muscle you train, be it biceps, be anything, you have to connect. Nahi to life mein kuch bhi nahi grow hoga. There will be no gains and there will be no pains, and then you will be stagnant. That is what I have learned. Concentrate, focus what you are doing, just focus and do. That would be much better rather than just doing it for chalo karna hai kar lete hain, gains aayenge to aayenge, nahi to nahi. Plus diet is the 70% game. अगर आप डाइट नहीं फॉलो करेंगे, कोई एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करते रहो. 1 ईयर में जितना मुझे रिजल्ट मिला है, आई गेस आई हैव बीन वर्किंग आउट फ्रॉम सो लॉन्ग. डाइट अगर आपको करेक्ट वाली कोई नहीं बताएगा तो आपके कुछ भी नहीं होने वाला प्रोग्रेस लाइफ में. दैट्स इट गाइज, दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो ऑफ माई होम वर्कआउट. आई पिक हर अप एंड देन शी ट्राइज टू पिक मी अप. सो लेट्स सी, दिस इज अ मॉम डॉटर चैलेंज. उठाओ. अच्छा, ऐसे कहाँ से उठा रहा हूँ, घर का मर से हमको स्लो उठाने. मैंने गिर जाएगी तू. थैंक यू फॉर द स्लो लैंडिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग पीपल माई होम वर्कआउट फॉर लेग्स. एंड डू आई लुक प्रिटी? बिकॉज सुबह ही मैं सोच रही थी आफ्टर वर्कआउट, आफ्टर कार्डियो सॉरी, कि लोग सुंदर कैसे दिखते हैं वर्कआउट के बाद, मतलब कैसे. लाइक आई हैव दैट क्वेश्चन, डू यू लुक प्रिटी? आई नहीं, डेफिनेटली नॉट. आई लुक लाइक जैसे पता नहीं मैंने क्या किया हुआ है, लाइक पूरे बाल बिखरे, मतलब. सो एंड लेट मी शो यू माई आउटफिट एंड माई So the booty gains come from the leg work out. Bye.